शुद्ध प्लस पान मसाला पेश करते हैं आज की बड़ी खबरें। चक्रवाती तूफान अम्फान का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अब चक्रवाती तूफान अम्फान ने भीषण रूप ले लिया है। अम्फान तूफान को लेकर कैबिनेट सेक्रेटरी की अगुवाई में नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक आज 12 बजे हो रही है। इस बैठक में केंद्रीय गृह सचिव, एनडीएमए के अधिकारी और एनडीआरएफ के डीजी शामिल होंगे। आईएमडी ने बताया कि चक्रवात अम्फान ने सोमवार को महाचक्रवात का रूप धारण कर लिया है। ये बंगाल की खाड़ी में उत्तर पूर्व की तरफ रुख कर सकता है और 20 मई को पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में दीघा और हटिया द्वीप के बीच तटों से गुजर सकता है। वहीं सरकार ने भी चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि पश्चिम बंगाल तट पर अम्फान बेहद विकराल चक्रवाती तूफान के रूप में 195 किलोमीटर प्रति घंटे की गति के साथ 20 मई की शाम पहुंच जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद चक्रवाती अम्फान की तैयारियों का जायजा लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हो रहे चक्रवात अम्फान को देखते हुए तैयारियों का जायजा लिया गया। उन्होंने चक्रवात से प्रभावित होने वाले राज्यों को हर संभव केंद्रीय मदद का भी आश्वासन दिया है। बैठक के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के जरिए बताया कि वह हर किसी की सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और केंद्र सरकार की तरफ से हर संभव सहयोग का आश्वासन देते हैं। वहीं प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से भी जारी एक बयान में बताया गया कि प्रधानमंत्री ने स्थिति की समीक्षा की है और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल द्वारा उठाए गए कदमों और लोगों की सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने के बारे में सभी जानकारी ली। एनडीआरएफ के महानिदेशक एसएन प्रधान ने बताया कि एनडीआरएफ की 25 टीमों को तैनात किया गया है, जबकि 12 अन्य को तैयार रखा गया है। वहीं देश के अन्य हिस्सों में भी एनडीआरएफ की 24 अन्य टीमों को तैयार रखा गया है। उन्होंने बताया कि अम्फान अब महाचक्रवात है और यह गंभीर मामला है। आपको बताते चलें कि इससे पहले सिर्फ 1999 में ओडिशा पहुंचा चक्रवातीय तूफान इतना घातक था। वहीं चक्रवात अम्फान सोमवार को प्रचंड चक्रवाती तूफान में तब्दील हो गया और वह उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी की तरफ बढ़ सकता है। ओडिशा के तटीय इलाकों में भारी बारिश और तेज रफ्तार हवाएं चलने की आशंका अब बढ़ गई है और राज्य सरकार ने संवेदनशील इलाकों से लोगों को निकालने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। मछुआरों से 21 मई तक समुद्र में नहीं जाने के लिए भी कह दिया गया है। इधर मौसम विभाग ने सोमवार को चक्रवाती तूफान अम्फान के कारण केरल में भारी बारिश का अनुमान भी जाहिर किया था। इसके बाद राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने 14 में से 13 जिलों को येलो अलर्ट घोषित कर दिया है। येलो अलर्ट का मतलब है कि लोगों और अधिकारियों को सतर्क रहना होगा, क्योंकि राज्य में भारी बारिश की उम्मीद की जा रही है। सोमवार को येलो अलर्ट प्रदेश की राजधानी तिरुवनंतपुरम जिले को छोड़कर अन्य सभी जिलों में लागू कर दी गई है। वहीं मंगलवार के लिए 9 जिलों में येलो अलर्ट घोषित कर दिया गया है। आईएमडी ने 24 घंटे में 64.5 मिलीमीटर से लेकर 115.5 मिलीमीटर बारिश की भविष्यवाणी की है। मछुआरों को भी चेतावनी दी गई है कि वे समुद्र में न जाएं। वहीं एसडीएमए ने भूस्खलन की संभावना वाले क्षेत्रों और नदी के किनारे और तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा है। एसडीएमए ने तेज रोशनी और गर्जना के साथ 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तक चलने वाली हवाओं की भी चेतावनी जारी की है। ये चेतावनी 22 मई तक प्रभावी रहेगी। सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल दिस संडे हेडलाइंस, बेल बटन दबाएं और नोटिफिकेशन पाएं।